नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, जो अब सीमा सचिन के नाम से जानी जाती हैं, अपना पहला करवा चौथ मनाने की तैयारी कर रही हैं। सचिन की लंबी उम्र के लिए वह करवा चौथ का व्रत रखेंगी। करवा चौथ पूजा का सामान सीमा हैदर के वकील और मुंह बोले भाई एपी सिंह की माँ ने भिजवाया है। सीमा ने वीडियो जारी कर ये जानकारी दी है। सीमा हैदर ने वीडियो में कहा कि सनातन धर्म के रिवाज के अनुसार वे व्रत रखेंगी। सीमा ने जानकारी दी कि पहले करवा चौथ के लिए वकील एपी सिंह की मां ने लहंगा, पूजन सामग्री समेत अन्य सामान भिजवाया है। सीमा ने कहा कि सनातन धर्म के रीति रिवाज के आधार पर करवा चौथ का व्रत मैं रखूंगी, पति की लंबी आयु के लिए कामना भी करूंगी। इस दौरान उन्होंने एपी सिंह के परिवार को अपना मायका बताते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया। सीमा हैदर ने कहा कि परिवार की सुख शांति के लिए भी मैं कामना करूंगी। सीमा हैदर ने आगे कहा, भारत इतना अच्छा देश है कि यहाँ का हर त्योहार एक नई उत्साह और सोच देता है। इतना सुंदर देश और कोई नहीं हो सकता जितना सुंदर देश भारत है। सीमा हैदर ने अपने मुंह बोले भाई एपी सिंह और उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। और फिर सीमा हैदर ने जय श्री राम और राधे राधे बोलकर अपनी बात को खत्म कर दिया। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, सीमा हैदर हर त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाती है। बता दें, इससे पहले सीमा हैदर ने जन्माष्टमी भी बड़ी धूमधाम से मनाया था। सिर पर माता रानी की चुनरी और हरी साड़ी पहनकर सीमा हैदर राधा रानी बन गई थी। सीमा ने बॉलीवुड के गाने पर जमकर डांस भी किया था। साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार भी पूरे भाव के साथ मनाती नजर आई थी सीमा हैदर। इस दौरान सचिन के रबुपुरा वाले घर पर वकील एपी सिंह भी पहुंचे थे। वहां उन्होंने सीमा और सचिन समेत परिवार के सदस्यों के बीच राखी का पर्व भी मनाया था। सीमा हैदर ने एपी सिंह को राखी बांधी थी और फिर पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने चारों बच्चों के साथ झंडा फहराकर राष्ट्रगान भी गाया था। और इसके साथ आपको बता दें कि नवरात्रि भी सीमा हैदर ने बड़ी धूमधाम से मनाई थी। तो ऐसे अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।